अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर 990 लेथ कंट्रोलर का इंटरफेस डिस्प्ले डार्क मोड पे तब्दील करना हो तो हम कैसे तब्दील करेंगे? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी कंट्रोलर स्क्रीन पर आ गए। मैं कोई भी बटन प्रेस करूंगा, कोई भी बटन प्रेस करते ही हम जाएंगे सबसे पहले पैरामीटर्स में, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे अदर पैरामीटर्स में ए प्रेस करके, और फिर इसके बाद हमारा 501 पैरामीटर है, ये है जनाब ये 501 को। कर्सर को हम 501 पे ले आएंगे। इंटरफेस डिस्प्ले, इंटरफेस डिस्प्ले को अगर हम डार्क मोड पे चेंज करना हो तो 1 इज़ वाइट और जो 8 है वो ब्लैक के लिए है। तो हम क्योंकि अपना इंटरफेस डार्क मोड पे चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे 8 प्रेस करेंगे। 8 प्रेस करने के बाद अब हम एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के लिए पॉप अप विंडो आ गई, यहाँ पे मैसेज आ गया प्लीज़ रीबूट सीएनसी, सीएनसी कंट्रोलर को रीबूट करेंगे। अब हम यहाँ कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो अब अपने इंटरफेस में एंटर हो जाएंगे। नहीं जी, अब हमारा इंटरफेस जो है वो डार्क मोड पर चेंज हो गया। यहाँ पे येलो कलर था, ब्लू आ गया, यहाँ पे जहाँ ब्लू था वहाँ येलो आ गया। यहाँ पैरामीटर्स में जाएंगे तो ये इंटरफेस डिस्प्ले ऐसी है जस्ट लाइक आपका, आप किसी भी अपने एंड्रॉयड डिवाइस या आईओएस डिवाइस में इंटरफेस डिस्प्ले चेंज करते हैं तो जस्ट लाइक ऐसे ही आप अपने सीएनसी कंट्रोल का डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।